उसको शूट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन दिक्कत वाली बात यह हुई कि बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज आ रही थी, इसके अलावा इको भी बहुत ज्यादा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर मैं वॉइस ओवर दे दूं, और वॉइस ओवर के लिए मैंने लगभग 3.5 पेजेस की स्क्रिप्ट भी लिख ली है, जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सभी चीजों को कवर किया है। इन इसके मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस भी आपको बताऊंगा, इसके ऊपर आपको सब्सिडी कितनी मिलने वाली है, उसको कैसे लेते हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके लुक के बारे में बात कर लेते हैं। इसका लुक आप देख सकते हैं, इसका फ्रंट फीचर भी काफी दिखने में बढ़िया है और रियर से और साइड से दिखने में काफी बढ़िया लगती है। हालांकि इसके अंदर आपको मॉडर्न प्लस रेट्रो लुक देखने को मिल जाएगा एक्सटीरियर से, और बजाज की ये जो चेतक है इसको कंप्लीटली स्टील के साथ बनाया गया है, इसकी वजह से इसका जो टोटल वेट है वो हुआ है लगभग 132 केजी का। इसके अंदर आपको कंप्लीटली स्टील का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा पूरे बॉडी में, जिसकी वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। हालांकि बहुत सारे लोगों को इसका एक्सटीरियर लुक पसंद आ चुका है, और कुछ लोग ऐसे भी है जिनको मॉडर्न लुक पसंद है, जैसे कि एथर की 450X हो गई, इसके अलावा ओकिनवा की आईप्रेस हो गई, और जितने भी बाकी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है जिनके अंदर मॉडर्न लुक दिया है, कुछ लोगों को उस टाइप का लुक पसंद आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ लोगों को बजाज के चेतक का लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पर्सनली मुझे इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि फ्रंट से दिखने में काफी बढ़िया लगती है, मतलब ये महसूस बिल्कुल भी नहीं होता कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और इसके अंदर डिटेलिंग भी काफी बढ़िया तरीके से दी गई है, और इसके अंदर काफी बढ़िया पैटर्न्स का इस्तेमाल भी किया हुआ है, जैसे कि आप इसके फ्रंट में देख सकते हैं छोटा सा ग्रिल टाइप पैटर्न दिया हुआ है, जिसके ऊपर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, इसके अलावा उसके सराउंडिंग में सिल्वर की फिनिशिंग भी दी गई है, तो ये भी एक थोड़ी सी कमाल की बात है। इसके अलावा अगर मैं लाइटिंग की बात करूं, तो इसके अंदर आपको कंप्लीटली एलईडी लाइटिंग का सेटअप मिलने वाला है, डीआरएल के अंदर, इंडिकेटर के अंदर और हेडलाइट के अंदर, तो यहाँ पर आपको हैलोजन का सेटअप नहीं मिलने वाला, इसके अंदर आपको कंप्लीटली एलईडी लाइटिंग का सेटअप देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफी कमाल की बात है। इसके अंदर एलईडी डीआरएल की एक रिंग आपको मिलने वाली है सर्कुलर फॉर्मेट में, जो कि दिखने में काफी बढ़िया है, और इस एलईडी डीआरएल की जो इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा है और काफी बढ़िया है। रात के समय में अगर आप एलईडी डीआरएल को ऑन करोगे तो इसकी भी विजिबिलिटी काफी बढ़िया रहने वाली है, और इसका जो एलईडी हेडलाइट है एलईडी डीआरएल के अंदर उसकी भी विजिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़िया है, तो इसके अंदर आपको काफी जबरदस्त एलईडी हेडलाइट विद एलईडी डीआरएल का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि दिखने में कूल भी लगता है और अच्छा खासा लगता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको स्वाइप एलईडी इंडिकेटर्स मिलेंगे फ्रंट में भी और रियर में भी, जिसका डिजाइन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हालांकि इसके फ्रंट फीचर आपको चेतक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, इसके फ्रंट के मडगार्ड भी थोड़े से बड़े दिए गए हैं। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, इसके फ्रंट में ऑफसेट स्टीयरिंग कॉलम विद लीडिंग लिंक सस्पेंशन दिए हुए हैं, मतलब स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन इसके फ्रंट फीचर में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके रियर में सिंगल शॉक सस्पेंशन का इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये भी काफी हद तक बढ़िया है। हालांकि इसको मैंने चलाया है तो गड्ढों में मुझे इतनी भी ज्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं लगी, और यहाँ पर मतलब इसका ड्राइव लेते वक्त मुझे काफी ज्यादा बढ़िया ये स्कूटर लगी। पिकअप भी काफी बढ़िया है, और इसका जो टॉप स्पीड है लगभग आपको 60 किलोमीटर पर आवर का देखने को मिल जाएगा। चलाने में तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी, सिटी के हिसाब से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी ज्यादा बढ़िया है। वही अगर मैं इसके डिस्क ब्रेक की बात करूं, तो इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाला है और रियर में ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इसके रियर में डिस्क ब्रेक देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ब्रेकिंग में इतनी ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं लगी। इसका फ्रंट का ब्रेक भी काफी कमाल से काम करता है और रियर का ड्रम ब्रेक काफी बढ़िया तरीके से काम करता है, तो यहाँ पर ब्रेकिंग में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई चलाते वक्त। इसके अलावा साइड से दिखने में भी ये काफी बढ़िया लगती है, इसके जो सीट्स है वो काफी वाइडर दिए गए हैं, सीट्स की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है और सीट्स के ऊपर आपको स्टिचेस भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसके सीट्स थोड़े से वाइडर दिए गए हैं, जिसकी मदद से आपकी राइड डेफिनेटली कंफर्टेबल होने वाली है। पिलियन का सीट भी अच्छा खासा है और पिलियन को पीछे से सपोर्ट भी मिल जाता है, तो यहाँ पर दो लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। इसके अलावा इसके अंदर आपको अच्छी खासी स्पेसिंग मिल जाएगी, हालांकि इसके सीट के नीचे लगभग आपको 18 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, यानी आप अपना अच्छा खासा सामान रख सकते हैं, हेलमेट भी आप रख सकते हैं आराम से। इसके अलावा इसके ग्लव बॉक्स में आपको लगभग 4 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, यानी 4 लीटर की स्टोरेज स्पेस आपको थोड़ी सी फ्रंट में देखने को मिल जाएगी। और फ्रंट ग्लव को ओपन करने के लिए एक बटन दिया है राइट साइड में, और उसी बटन को आपको प्रेस करके रखना है, ताकि सीट वाला जो बूट है वो ओपन हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, जो कि नीचे बिल्कुल भी नहीं जाता अपने आप, शायद इसके अंदर स्प्रिंग का इस्तेमाल किया है बजाज कंपनी ने, तो यहाँ पर ये भी एक थोड़ी सी कूल चीज लगी मुझे। इसके अलावा अगर मैं बटन्स की बात करूं, तो इसके जो बटन्स का डिजाइन है ये आपको थोड़ा सा मॉडर्न देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको लाइटिंग भी देखने को मिल जाएगी, यानी जो इंडिकेशन है वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। हालांकि इसको मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, इसके जो बटन मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे तो मुझे समझने में इतनी भी दिक्कत नहीं आई। जो भी लोग बाइक चलाते हैं या फिर पेट्रोल वाली स्कूटर्स चलाते हैं, वो अगर इस बाइक पर स्विच होते हैं तो इसके जो कंट्रोल है उनको समझने में इतनी भी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली। मेरे हिसाब से ये तो समझने में लाइक 5-10 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे, तो 5-10 मिनट के अंदर इसके बटन आप आराम से समझ सकते हैं, और गाड़ी चलाते वक्त डेफिनेटली आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि प्लेसमेंट भी अच्छी खासी है और एक्सेसिबल चीजें हैं। हालांकि एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर की पोजीशन आपको दोनों ही साइड में देखने को मिल जाएगी, यानी लेफ्ट वाले इंडिकेटर को ऑन करने के लिए आपको लेफ्ट में बटन मिलने वाला है और राइट वाले इंडिकेटर को ऑन करने के लिए इसके राइट साइड में बटन दिया हुआ है, तो ये एक चीज है, लेकिन ये समझने में आसान है। जब आप इसको देखोगे तो ये चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ओआर में भी अच्छे खासे हैं, लेकिन थोड़े से बड़े देने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे खासी विजिबिलिटी है, पीछे का सब कुछ दिख जाता है। मुझे चलाते वक्त इतनी भी ज्यादा दिक्कत नहीं आई, पीछे का आराम से मैं देख सकता हूँ लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, और ओआरवीएम की प्लेसमेंट अच्छी खासी करी गई है। लेकिन एक चीज मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी, वो है इसके अंदर हैंड ब्रेक दिया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसके लेफ्ट साइड में एक छोटा सा नॉब आपको मिलने वाला है, उसको आपको प्रेस करके रखना है। जब भी आप स्लोप पे रहोगे तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि आपकी स्कूटर ज्यादा स्लाइड या फिर आगे पीछे ना हो, उसके लिए ये फीचर दिया है। ये कमाल का फीचर आपको बजाज की इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। हालांकि इसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आपको सर्कुलर फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा, जिसके तहत आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके ऊपर रेंज डिस्प्ले हो जाती है, इसके अलावा गाड़ी का स्पीड भी इसके ऊपर डिस्प्ले हो जाता है, इसके अलावा टाइम, और अपने स्मार्टफोन को इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। ये भी फीचर बजाज के चेतक के अंदर दिया जाता है, जिसके तहत आप बाकी के फीचर्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी का फीचर आपको बजाज के चेतक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दिखने में काफी बढ़िया ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, कंप्लीटली नया डिजाइन है। जब मैं इसको चला रहा था तो बहुत सारे लोग इसको देख रहे थे मुड़ मुड़कर, क्योंकि कंप्लीटली न्यू डिजाइन है और अच्छा खासा रोड प्रेजेंस आपको बजाज के चेतक का देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर 6 कलर ऑप्शंस आ जाता है। इसके अलावा बजाज के चेतक दो
वेरिएंट के साथ अवेलेबल है, प्रीमियम और अर्बन। अब मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का टॉप स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर का, यानी इस टॉप स्पीड के साथ आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप सिटी में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, आपका डेली का रन थोड़ा सा कम है, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन लॉन्ग जर्नी के लिए मैं बिल्कुल भी ये स्कूटर आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत जगह पर जो इलेक्ट्रिक स्टेशन चार्जिंग स्टेशन है वो अभी तक बने नहीं है। अगर आप सिटी में रहते हैं तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। इसकी जो रेंज है वो है लगभग 90 किलोमीटर, लेकिन ये 90 किलोमीटर में तब चलेगी जब आप इसको इको मोड में चलाओगे। अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाते हो तो ये रेंज देगी लगभग आपको 80 किलोमीटर तक की, यानी एक चार्ज में ये चलती है लगभग 80 किलोमीटर तक स्पोर्ट्स मोड में। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3 ड्राइविंग मोड्स दिए हैं, इको मोड, इसके अलावा स्पोर्ट्स मोड और रिवर्स मोड। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, ये भी काफी कमाल की बात है। इसके अलावा इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके तहत ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लगभग 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाती है। अच्छा खासा पावर आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर देखने को मिल जाएगा, मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं लगी। इसके अलावा इसके अंदर आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी इसकी बैटरी के लिए, IP67 की प्रोटेक्शन दी जाती है इसकी बैटरी के लिए, और इसकी बैटरी के ऊपर आपको लगभग 70,000 किलोमीटर तक की वारंटी भी देखने को मिल जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा BLDC मोटर का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर किया हुआ है। तो ये थे इसके मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस, चलाते वक्त आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, इसकी रेंज भी अच्छी खासी है, इसके अलावा दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया है। अब बात करते हैं इसके सब्सिडी के बारे में। फेम 2 के तहत इसके ऊपर 45,000 रुपीज की सब्सिडी दी जा रही है, और इसकी जो एक्सशोरूम प्राइस रखी है वो है लगभग 1.37 लाख रुपीज प्रीमियम वेरियंट के लिए, ये एक्सशोरूम प्राइस है। और इसके जो अर्बन वेरियंट है उसको लेने के लिए आपको लगभग 1.38 लाख रुपीज देने पड़ेंगे एक्सशोरूम प्राइस। जो ऑनरोड प्राइस रहेगी वो थोड़ी सी अलग रहेगी, इसके अलावा जो आपकी सब्सिडी रहेगी वो इस प्राइस रेंज से माइनस हो जाएगी अगर आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो तो। सब्सिडी के लिए आपको नजदीकी डीलर के पास जाना पड़ेगा, या फिर अगर आपको इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूं, आप वो चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। तो यार ये छोटा सा रिव्यू वीडियो था बजाज के चेतक का, हालांकि वहां पर मैंने शूट किया लेकिन बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइस होने के कारण यहां पर मुझे ये वॉइस ओवर देना पड़ा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहां पर बहुत सारी चीजों को मैंने कवर किया है जो कि मैंने उन चीजों को कवर नहीं किया था उस रिव्यू वीडियो के अंदर। तो यहां पर मैंने स्क्रिप्ट लिखकर ऑलमोस्ट सभी चीजों को एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी मेरे से कुछ चीजें छूट गई या फिर अगर आपके मन में कोई सवाल है डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।